तो हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं परवर की सब्जी। यहाँ पे हमने 1.5 किलो परवर लिया है और उसके छिलके को इस तरह से स्क्रैच कर लेना है ताकि इससे कड़वा नहीं लगता है परवा, मतलब कभी कभी कड़वा भी लगता है, तो आप ऐसा कर लेंगे तो उससे कड़वा नहीं लगता है। तो बस हल्का सा चाकू से इसका स्क्रैच कर लेना है और फिर हम इसे अपने मनचाहे आकार में कट कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम हेड वाला पार्ट निकाल लेते हैं, तो इसे काट के साइड में कर देना है और इस तरह से पतला पतला हम कट कर लेंगे। आप इसे लंबा भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ को सब्जियों को हमने धो लिया था और ये जो हरा हरा ये स्क्रैच वाला निकला इसका, तो लीजिए दोस्तों, परवल हमारी कट हो गई है और हमने आलू भी कट कर लिया है। तो जितना हमारा परवल है उतना हमने आलू भी कट कर लिया है। तो हमारी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो आलू थोड़ा ज़्यादा लगता है। और यहाँ पे मिर्चियों को हमने लंबा लंबा कट कर लिया है, प्याज को भी कट कर लिया है। तो तकरीबन 3-4 प्याज थे हमारे, उसे कट कर लिए है, मीडियम साइज़ के थे। और मिर्ची हम जितना तीखा खाते उतना कट कर लेंगे। यहाँ कढ़ाई में मैंने 4 बड़े चम्मच तेल ले लिए है और तेल को अच्छे से गर्म कर लेना है। तो अब हम करेंगे इसे फ्राई, यानी परवल को फ्राई कर लेना है अच्छे से गर्म तेल में, हाई फ्लेम पे इसे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे परवल को मैंने अच्छे से तेल में फैला दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, अलटते पलटते इसे फ्राई कर लेना है। इसे तकरीबन धीमी आंच पे 5 से 6 मिनट के लिए एकदम पकाना है, जब तक ये सिकुड़ ना जाए, क्योंकि अगर ये अच्छे से नहीं पकेगा ना तो बाद में जब हम ग्रेवी इसकी बनाते हैं ना तो वो अच्छी नहीं लगती है, थोड़ी हमारे भाषा में कहते हैं कचर कचर लगती है, मतलब वो अच्छा नहीं लगता है स्वाद, तो सभी लोग निकाल के फेंक देते थाली में से। इसे क्या करना है, अच्छे से फ्राई करना है एकदम, जब तक ये सिकुड़ ना जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे परोरा हमारा क्रंची सा फ्राई हो गया है, यानी क्रंची सा एकदम कुरकुरा सा। तो इसे हम निकाल लेंगे। इस तरह से फ्राई करना है परोरा को, बहुत ही अच्छी लगती है इस तरह से फ्राई करने में फ्रेंड्स, जरा भी कड़वाहट नहीं रहती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दाल की बरी है हमारे घर की, तो हम इसे 4-5 दाल लेंगे। तो अगर आपके पास बरी ना हो तो आप पचफोरन का इस्तेमाल करिए, तो ये बरी से बहुत टेस्टी हो जाती है सब्जी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने 1 चम्मच पचफोरन लिया है, इसे ऐड करेंगे और तेल में इसे एकदम सुनहरा कर लेना है, मतलब लाल कर लेना अच्छे से। तो फ्रेंड्स, जैसे ही पचफोरन हमारा तड़क जाएगा हम इसमें ये बरी डाल देंगे। तो बरी को भी फ्राई कर लेना है और बरी हमारी फ्राई हो जाएगी तो यहाँ पे हरी मिर्ची हमें डाल देना है और यहाँ पे हम प्याज भी इसमें ऐड कर देंगे। तो प्याज को अच्छे से भून लेंगे सभी बरी और मिर्च के साथ। तो यहाँ पे हमने गैस का फ्लेम तेज रखा है और अच्छे से इन्हें भी भून लेना है। प्याज को फ्रेंड्स हमें ज्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सुनहरा कर लेना है, फिर हम इसमें ऐड करेंगे आलू। तो देखिए दोस्तों, प्याज हमारी सुनहरी हो गई है, तो हम इसमें ऐड कर देते हैं हमारा आलू। तो आलू को हम भूनेंगे, यहाँ पे कर लेना है आलू को अच्छे से मिक्स और अच्छे से भून लेना है इसे भी। तो याद रहे फ्रेंड्स, इस सब्जी में तेल थोड़ा ज्यादा लगता है क्योंकि हर चीजों को अच्छे से भूनना रहता है। और चला के हमने इसे इकट्ठा कर लिया है, पकने देंगे इसे और इसे कर देंगे अच्छे से कवर। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी फ्राई हो रही है, तब तक मैं हमने यहाँ पे लहसुन लिया, अदरक लिया, काली मिर्च, बड़ी इलायची, जीरा और इसे करेंगे अच्छे से पीस के पेस्ट बनाएंगे इसका। तो चलिए तब तक हम इसे पीस लेते हैं। तो सिलबट्टे पे हम इसे पीस के लाते हैं, तब तक हमारी सब्जी भून रही है, हमारे घर में अंधेरा बहुत ज्यादा है। तो देखिए फ्रेंड, सब्जी हमारी फ्राई हो गई है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पे हम 1 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और 1 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे और यहाँ पे हमने लाल मिर्ची पाउडर 1 चम्मच डाल दिया है, तो ये ज्यादा तीखी वाली नहीं है। और हमने ये मसाला भी जो पीस लिया था ना, इसे भी डाल देंगे हम। तो सभी को एक साथ डाल के भूनेंगे। यहाँ कटोरी में हम थोड़ी सी पानी लेंगे, कटोरी धो के इसे डाल देना है और इसे करना है अच्छे से मिक्स। तो जो बिगनर रहते हैं उन्हें परोर की सब्जी उतनी अच्छे से बनाने नहीं आती है,
तो आप इस रेसिपी को जरूर फॉलो करें, सब्जी आपकी बहुत अच्छी बनेगी। और जो हमने ये परोरा फ्राई किया था इसे भी ऐड करेंगे इसके अंदर। तो पीछे से हम परोरे को डालेंगे, यानी परवल को, हमारे यहाँ परोरा कहते हैं। तो इसे भी अच्छे से करके मिक्स भून लेना है। परवल की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सब्जियों ने तेल रिलीज कर दिया है, ये देखिए, यानी कि सब्जी हमारी अच्छे से भून गई है। तो जब तक तेल ना रिलीज करे सब्जी को भूनते रहना है। तो हमारा मसाला है जो अच्छे से पक गया है। कितनी मस्त लग रही है। तो 30 सेकेंड के लिए हम थोड़ा सा और भून लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सब्जी हमारी अच्छे से भून गई है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तो यहाँ पे ग्रेवी हमारी सूखी सूखी रहेगी, ज्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना है। आप अपने मन से पानी चाहे जितना ऐड कर सकते हैं। तो हम इसे सब्जी के रोटी के साथ खाएंगे। हल्का ही पानी इसमें रखते हैं, हम सूखा ही बनाते हैं इसे, यानी लटपट ग्रेवी वाली। तो तकरीबन हमने 1.5 कटोरी इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है। फिर इसे और अच्छे से पकने देंगे। और इसमें आ गया है उबाल, तो यहीं पे हम ऐड करेंगे इसमें नमक। तो यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। तो यहाँ से 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे, जब तक हमारा आलू अच्छे से पक ना जाए। तो इसे कर देते हैं हम कवर। तो देखिए फ्रेंड्स, सब्जी हमारी यहाँ पे कुक हो गई है। तो थोड़ा सा आलूओं को दबा देना है पलटे से, ये देखिए। और इसी स्टेज पे हम गैस को कर देंगे बंद। तो हमारी सुपर टेस्टी सब्जी परवल की बन के रेडी है। तो ये सब्जी को मैं निकाल लेती हूँ प्लेट में। सूखी सूखी सब्जी हमने बनाई है आलू परवल की। तो फ्रेंड्स, ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखना ना भूले। और मेरी वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर।